आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जेएनयू में हिंसा फैलाने वालों का दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा, लेफ्ट के छात्रों ने फैलाई जेएनयू में हिंसा। रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी रहस्यमय ढंग से लापता, परिजनों को अपहरण की आशंका। मध्य प्रदेश में और खुलेगी शराब दुकानें, शिवराज ने कहा एमपी तबाही के रास्ते पर। तीन गुटखा कंपनियों पर छापामार कार्रवाई, बाल श्रम और करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। और दीपिका और छपाक पर राजनीतिक संग्राम, फ्री में मिले छपाक और थाना जी के टिकट। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हमला करने वाले नकाबपोश हमलावरों की पहचान कर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से ली गई तस्वीरें जारी की हैं। इसमें जो संदिग्ध हैं उनमें छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष भी शामिल है। अन्य संदिग्धों में AISI एक्टिविस्ट चुनचुन है, जिन्हें पथराव करते देखा जा सकता है। इसके बाद प्रिया रंजन है, जो जेएनयू के मांडवी हॉस्टल की हैं। वे स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज की छात्रा हैं। अगली छात्रा सुचेता तालुकदार हैं, जो स्कूल ऑफ सोशल साइंस की काउंसलर हैं। जेएनयू में हिंसा करने वाले सभी लेफ्टिस्ट छात्र हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार रात को हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हमलावरों की तस्वीर जारी की है। इसमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष समेत 9 हमलावर हैं। तस्वीर में आरोपियों के नाम भी हैं, जिनमें जेएनयू के पूर्व छात्र चुनचुन कुमार, सुचेता तालुकदार और प्रिया रंजन हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिन छात्रों की पहचान हुई है उनमें चुनचुन कुमार, पंकज मिश्रा, योगेंद्र भारद्वाज, प्रिया रंजन, विकास पटेल डोलन, आयशी घोष के नाम हैं। तो जो लोग आइडेंटिफाई हुए अभी तक, वो मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक है चुनचुन कुमार, ये एक्स स्टूडेंट है जेएनयू का, पर ये कैंपस में ही रहते हैं। एक है पंकज मिश्रा, ये माही मांडवी हॉस्टल में रहते हैं। आयशी घोष मैडम को हम सभी ने देखा, शी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट JNU SU। और ये एक सेकंड प्लीज, पंकज कुमार मैं आपको दूंगा नाम दूंगा। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इन्हीं के एफिलिएशन में है सर। एक ये भास्कर विजय मेक है, ये भी स्टूडेंट हैं JNU के। सुचेता तालुकदार, शी इज अ काउंसिलर JNU। और ये प्रिया रंजन है, BA थर्ड ईयर। और एक है डोलन सामंत, शी इज स्टूडेंट काउंसिलर। और योगेंद्र भारद्वाज है, ये PhD कर रहे हैं संस्कृत में। और योगेंद्र भारद्वाज संस्कृत में PhD कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के। सो वी आइडेंटिफाइड हिम आल्सो। और एक विकास पटेल हैं, जो कि आपने काफी सारे उसमें देखा होगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने DSP जॉय टर्की ने कहा कि जेएनयू हिंसा मामले की जांच को लेकर कई तरह की गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होना था, हालांकि SFI, AISA, AISF और DSF छात्र संगठनों ने छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने से रोका। रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों को धमकाया जा रहा था। इसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया और 5 जनवरी को पोरिया व साबरमती हॉस्टल के कुछ कमरों में हमला किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने DCP जॉय टर्की ने कहा कि जेएनयू में हिंसा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए। नकाबपोश जानते थे कि उनको किस किस कमरे में जाना है। हिंसा के CCTV फुटेज नहीं मिले हैं, हालांकि हमने वायरल वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की है। इसको लेकर हमने 30-32 गवाहों से भी बातचीत की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुताबिक जेएनयू में हुई हिंसा में जिन छात्रों की पहचान हुई है उनमें चुनचुन कुमार,
पंकज मिश्रा, योगेंद्र भारद्वाज, प्रिया रंजन, विकास पटेल, डोलन, आयशी घोष के नाम शामिल हैं। रविवार रात जेएनयू में हुई हिंसा मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि अभी तक पुलिस जेएनयू कैंपस में लाठी डंडे चलाने वाले और सर्वर रूम को तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी रहस्यमय ढंग से लापता हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उद्योगपति के लापता होने से पुलिस भी सकते में आ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश में अलग अलग टीमें गठित कर दी हैं। प्रवीण की धरसीवा थाना क्षेत्र के सिलतरा में सोमानी प्रोसेसर कंपनी है। बुधवार की देर शाम से ही कारोबारी प्रवीण सोमानी लापता है। शाम को फैक्ट्री से पंडरी स्थित घर जयश्री मरलिन जाने के लिए कार से निकले थे। गुरुवार की सुबह तक जब वे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। पता नहीं चलने पर धरसीवा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। उनकी रेंज रोवर कार उनके रामकुटीर पर सुलीडीह स्थित ऑफिस के पास लावारिस हालत में मिली। इससे परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने पर दो अज्ञात लोग कार को सड़क के किनारे पार्क करते, फिर वहां से होंडा सिटी और एक अन्य कार में सवार होकर भागते कैद हुए हैं। एसएसपी आरिफ शेख ने बताया कि सोमानी प्रोसेसर कंपनी के मालिक प्रवीण सोमानी के लापता होने के मामले की पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। मामला अपहरण का है या लापता होने का, इस मामले में फिलहाल दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परिजनों ने जरूर अपहरण की आशंका जताई है, लेकिन अभी तक उनके पास किसी का फोन नहीं आया है। शराबबंदी की बात करने वाली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की आबकारी नीति से अब जगह जगह शराब की दुकानें खुल जाएंगे। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा एतराज जाहिर किया है और कहा कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश को शराब के नशे में डुबोकर तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहती है। शिवराज सिंह ने कहा ऐसा करके कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में अपराधों को भी बढ़ाएगी। थोड़ा सा राजस्व प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार शराब सिंडिकेट के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। कमलनाथ सरकार बात गांधी जी की करती है और उसने पूरे प्रदेश में जगह जगह शराब की उप दुकानें खोलने को मंजूरी दे दी है। कमलनाथ के इस फैसले का समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके खतरनाक नतीजे धीरे धीरे सबके सामने आएंगे। कमलनाथ सरकार के नए फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने कड़ा विरोध किया है। शिवराज सिंह ने कहा हमारी सरकार ने शराब दुकानें कम की थीं, अब उप दुकानें खुलने से शराब की दुकानें तिगनी और पांच गुनी हो जाएंगी। यह सरकार प्रदेश की जनता को शराब के नशे में डुबाना चाहती है। नशे के कारण अपराध बढ़ते हैं, अपराध रेप की घटनाएं नशे में धुत होकर अंजाम देते हैं। जब हमारी सरकार थी तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी और जो वर्तमान शराब की दुकानें हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूं उनमें हम धीरे धीरे कमी करेंगे, कम करेंगे उनको। और हमने दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये फैसला एक या एक से अधिक उप दुकानें खोली जा सकेंगी। अब एक से अधिक का मतलब केवल एक नहीं, अगर एक खुलती है तो आज जितनी शराब की दुकानें हैं मध्य प्रदेश में वो दुगनी हो जाएंगी। और एक से अधिक अगर खोलते हैं तो वो तिगनी होगी कि चौगनी होगी कि पांच गुना होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मध्य प्रदेश को शराब के नशे में डुबा के तबाह करने की तैयारी है इस सरकार की। शिवराज सिंह ने सवाल किया कि सरकार प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है। ये लोग एक तरफ माफियाओं पर दंभ भरते हैं, दूसरी तरफ शराब माफियाओं के हवाले प्रदेश को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार का ये काम मध्य प्रदेश को तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। शराब की उप दुकानें खोलने के फैसले को सरकार वापस ले, यह राजनीतिक नहीं जनता और महिलाओं की भलाई के लिए है। ये शराब की उप दुकानें खोलने का विषय ये बहुत गंभीर विषय है और तबाही लाने वाला विषय है और मैं किसी राजनीतिक कारण से इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मुझे चिंता है प्रदेश के भविष्य की।
माताओं बेटी और बहनों की इज्जत की। और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से सवाल को उठा रहा हूँ और मैं मीडिया के मित्रों से भी ये आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के मैं कह रहा हूँ, सबको एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। और ये मैं केवल उठाने के लिए नहीं उठा रहा हूँ, अंतरात्मा से उठा रहा हूँ। और हम इस फैसले का पुरजोर विरोध करेंगे। मुझे आज इसी विषय को फोकस करना है। कमलनाथ सरकार के सीनियर मंत्री गोविंद सिंह ने कहा, नई शराब नीति बहुत बढ़िया है, इससे अब लोगों को साफ सुथरी शराब मिलेगी, लोग मिलावटी शराब नहीं पिएंगे। उन्होंने कहा, पीने वालों को कोई जबरदस्ती तो पिलाता नहीं है। कमलनाथ सरकार की नई शराब नीति पर सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि नई शराब नीति लागू होने के बाद अब साफ सुथरी शराब मिलेगी, लोग मिलावटी शराब नहीं पिएंगे, पीने वालों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, पीने वालों को कोई जबरदस्ती तो पिलाता नहीं है, प्रजातंत्र है देश में, खाने पीने के लिए सब स्वतंत्र हैं, हम तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो नीतिगत निर्णय लेती है उसमें हर में उनको आपत्ति है और पिछले 15 साल उनको कोई आपत्ति नहीं दिखी। अगर इस तरह के शुभचिंतक थे तो प्रदेश में शराब बंद करते, और प्रदेश में सभी जगह पूरे विश्व में शराब के ठेके हैं, शराब बिकती है, पीने वालों पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है देश में, स्वतंत्र है आदमी, हर आदमी को अपनी इच्छा से खाने का पीने का अधिकार है। हम तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं चाहते और इसलिए जिनको नहीं पीना कोई जबरदस्ती से पिलाता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के बयान पर कटाक्ष करते हुए मंत्री गोविंद सिंह ने कहा, शिवराज केवल बयान देते हैं, 15 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने क्यों नहीं शराबबंदी की, शिवराज पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भोपाल ईओडब्ल्यू और कई अन्य विभागों ने 3 गुटखा कंपनियों पर छापामार कार्रवाई की है। राष्ट्रीय कमला पसंद और ब्लैक लेवल गुटखा कंपनियों के ठिकानों पर छापे के दौरान कारखानों में बाल श्रम और करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। सरकार की शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को 3 गुटखा कंपनियों के कारखानों पर स्टेट जीएसटी, खाद्य विभाग, बिजली विभाग और आर्थिक अपराध शाखा की संयुक्त कार्रवाई की गई है। इन कारखानों में 100 करोड़ से अधिक की मिलावटी सामग्री, गुटखा बनाने की मशीनें जब्त की गई हैं। साथ ही 500 से ज्यादा बाल मजदूर भी काम करते पाए गए हैं। ईओडब्ल्यू एसपी अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि कर चोरी मामले में अल सुबह गोविंदपुरा क्षेत्र स्थित 3 गुटखा कंपनियों में छापा मारा गया है। इस छापे में कंपनियों में लगभग 5 करोड़ रुपए कीमत की मिलावटी गुटखा पाया गया है, जिसे देश के अलग अलग स्थानों पर भेजने की तैयारी थी। उन्होंने बताया कि कंपनी में लगी मशीन में छेड़छाड़ कर तय सीमा से अधिक उत्पादन कर कंपनी द्वारा टैक्स चोरी भी की जा रही थी। वहीं बिजली की चोरी करने का मामला सामने आया है। बिजली चोरी कर गुटखा कारखानों में दिन रात उत्पादन किए जाने की भी बात सामने आई है। बिजली चोरी कितनी हुई है इसका आंकलन भी किया जा रहा है। गोविंदपुरा में गुटखा कंपनियों के खिलाफ ये एक्शन मुख्यमंत्री की माफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई के तहत की गई। गुटखा कंपनियों के ठिकानों पर छापे के दौरान कारखानों में बल श्रम और करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू बीते 1 महीने से इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था। मुख्यमंत्री कमलनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद एजेंसियों ने यह कार्रवाई की। सरकार की शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापेमार कार्रवाई की गई है। श्रम विभाग है, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, सेंट्रल जीएसटी है, ये सभी डिपार्टमेंट से साथ में कार्रवाई कर रहे हैं। ये 2 परिसर है इनके, दोनों परिसर। केंद्रीय स्टील राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि वे सीए कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, जबकि यह कानून देश की पार्लियामेंट ने पास किया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बना है। कुलस्ते ने कहा, विपक्षी दल इस पर भ्रम फैला रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत में निवास कर रहे अल्पसंख्यकों को कोई भी नागरिकता संबंधी खतरा नहीं होगा। यह कानून पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि वह यह कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, जबकि यह कानून देश की पार्लियामेंट ने पास किया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बना है। फग्गन सिंह ने कहा
कहा कि कानून के बारे में जागरूकता नहीं होने से राजनीतिक लोग जनता में भ्रम फैलाकर व्यर्थ की समस्या पैदा कर रहे हैं। भारत के किसी नागरिक किसी समुदाय के खिलाफ में ये बिल नहीं है, ये हमारे सबके संज्ञान में रहना चाहिए और इसलिए इससे दुनिया के लोगों को कोई उनके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ये सीधा सा सवाल इतना ही है और इसका उत्तर यही है कि उन्हीं लोगों के लिए कानून बनाया गया है। इस भारत में नागरिकता संशोधन कानून इसलिए कहा गया इसको कि जो लोग वहाँ प्रताड़ित थे और उनके लिए यहाँ पर भारत में उनको नागरिकता देना। कुलस्ते अपने संसदीय क्षेत्र के लखनादौन पहुंचे जहां पर उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। कुलस्ते कार्यकर्ताओं के साथ लखनादौन के बाजार से होकर मुख्य मार्ग की एक जनसंपर्क रैली में भी शामिल हुए जिसमें उन्होंने लोगों को सीए से संबंधित पैम्पलेट बांटे। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून जन जागरूकता को लेकर स्थानीय बस स्टैंड में एक गोष्ठी भी की और भाग लिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सेवादल कैंप से आंतरिक बल और शक्ति मिलती है। सेवादल कार्यकर्ताओं को बीजेपी के पीछे 6 साल की राजनीति पर ध्यान देना होगा। बीजेपी गुमराह करने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा सेवादल का आईटी सेल मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में कांग्रेस सेवादल का शिविर चल रहा है। शिविर में 22 राज्यों से 425 सदस्य शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस शिविर का खासियत है कि यहां बिना बुलाए कार्यकर्ता आते हैं। 1980 में सेवादल कैंप में मैंने हिस्सा लिया था। आंतरिक बल और शक्ति सेवादल कैंप से ही मिलती है। राजनीतिक परिवर्तन संगठन के कामकाज और प्रभावित करता है। कमलनाथ ने कहा संगठन के कामकाज में क्या जोड़ना है इस पर अब विचार करना होगा। परिवर्तन कैसे करें, सेवादल का संदेश कैसे गांव-गांव तक पहुंचाएं। कमलनाथ ने कहा सेवादल कार्यकर्ताओं को बीजेपी की पिछले 6 साल की राजनीति पर ध्यान देना होगा। बीजेपी गुमराह करने की राजनीति कर रही है। ये गुमराह की बात करने आते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पहचाननी है, पिछले 6 साल 7 साल की राजनीति पहचान, किस प्रकार से इनकी ध्यान मोड़ने की राजनीति है। हर चीज में ये ध्यान मोड़ेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता का ध्यान मोड़ दिया। सही बात तो ये, ध्यान मोड़ने की राजनीति। आज चुनौतियां और प्रश्न हमारे सामने दूसरे हैं, उसका जवाब नहीं है। आपने कभी सुना मोदी जी को नौजवानों की बात करते हुए, पिछले कुछ महीनों में किसानों की बात करते हुए, महिलाओं की बात करते हुए? तो इससे किस प्रकार से ये ध्यान मोड़ने का गुमराह की राजनीति में ये विश्वास रखते हैं। एनआरसी और सीए को लेकर कमलनाथ ने कहा कि इनमें से जो नहीं लिखा गया है उस पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ वो पढ़ा रहे हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं। कमलनाथ ने कहा गांव-गांव तक संदेश भेजने वाले निष्ठावान सेवादल कार्यकर्ता कांग्रेस के पास ही हैं और निष्ठा ही आपका प्रमाण है। सेवादल का आईटी सेल मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ये देश भर का कमांड सेंटर बनेगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपिका पादुकोण को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के बंगले का घेराव करने पहुंचे। दीपिका के जेएनयू जाने को लेकर गोपाल भार्गव ने टिप्पणी की थी जिसमें कांग्रेस नाराज है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस दीपिका का समर्थन तो बीजेपी उसके विरोध में है। दीपिका अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर जेएनयू के आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंची थी और वहीं से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने दीपिका की फिल्म छपाक को टैक्स फ्री कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दीपिका को नाचने वाली कहा और कहा फिल्म अभिनेत्री दीपिका और मध्य प्रदेश सरकार की विचारधारा एक सी है। क्या है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अभिव्यक्ति आती नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति का स्वरूप ही अलग होता है और इस कारण से जैसे जेएनयू में उदम हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है,
अब हीरो हीरोइनों का क्या लेना देना जेएनयू से? अरे पठन पाठन की संस्था है जी। भाई तू डांस कर जी। तू नाच दिखा, तू वहाँ क्यों जा रही? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये दंगा फसाद करवाने के लिए अब अभी राजनीतिक पार्टियां थी, वही क्या कम पड़ गई जो हीरो हीरो जाने लगे वहाँ पे? इसके बाद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने गोपाल भार्गव के बंगले का घेराव किया और उनसे अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। फिल्मों पर राजनीति का असली फायदा भोपाल के दर्शकों को हुआ। दोनों ही फिल्मों की रिलीज के पहले दिन ही राजनीतिक दलों ने टॉकेज के बाहर खड़े होकर मुफ्त में टिकट बांटे। दीपिका की फिल्म के समर्थन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुफ्त में टिकट बांटे, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता तान्हाजी की फिल्म के टिकट फ्री में बांटते नजर आए। दीपिका पादुकोण के जेएनयू में आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में खड़े होने के बाद उनकी फिल्म छपाक बेहद चर्चा में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को प्रदेश में टैक्स फ्री किया था और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कलाकारों को विचारधाराओं के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। फिल्म की रिलीज के पहले दिन दीपिका की फिल्म के समर्थन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुफ्त में टिकट बांटे। देखिए, जिस तरीके से जेएनयू में एक पीड़ित छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थन में दीपिका पादुकोण जी जेएनयू पहुंचती, उसके बाद में पूरे देश भर में भाजपा उनका और छपाक मूवी का विरोध करते बहिष्कार करते, मैं भाजपा के अपने साथियों से कहना चाहता हूं, बहिष्कार करना ही है तो एसिड अटैक करने वालों का बहिष्कार समाज से होना चाहिए। इस विषय पे बनी हुई पिक्चर जिसमें एसिड अटैक की पीड़िता के जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं को दिखाया गया है, उसका विरोध करना मैं समझता हूं जायज नहीं है। आज देश भर में युवा और छात्र दीपिका पादुकोण के समर्थन में खड़े हुए हैं, छपाक मूवी देखना चाहते हैं, तो भोपाल एनएसयूआई ने यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त टिकट की व्यवस्था की थी। जिन भी विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाया हमने उनको टिकट वितरित किया। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अजय देवगन की फिल्म तानाजी को भी टैक्स फ्री करने की मांग सरकार से की। विधायक शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे इस फिल्म को टैक्स फ्री करवाने के लिए कमलनाथ को पत्र लिखे। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने के विवाद थम ही नहीं रहा है। भाजपा के निशाने पर आई दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक रिलीज हुई है, जिसे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। इसके जवाब में अब भाजपा कार्यकर्ता अजय देवगन की तानाजी फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ता जहां एक तरफ छपाक फिल्म के टिकट मुफ्त बांटते हुए दिखाई दिए, वहीं भाजपा कार्यकर्ता तानाजी फिल्म के फ्री टिकट बांट रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो लोग देश को तोड़ने वाले के साथ खड़े हैं और फिल्म का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम जनता से अपील कर रहे हैं कि उनकी फिल्म ना देखें। भाजपा कार्यकर्ताओं के मुताबिक तान्हाजी फिल्म देशभक्ति को बढ़ावा देती है और ऐसे में हम प्रदेश के लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं और टिकट बांट रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि छपाक फिल्म भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री देश के गद्दारों के साथ खड़ी हुई है और यही वजह है कि उनका विरोध किया जा रहा है। मैं तो भारत के लोगों से अपील करूंगा कि वो तानाजी फिल्म देखें और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर बाल ठाकरे की ही शिवसेना है और आप उन्हीं के बेटे हैं तो कमलनाथ को पत्र लिखकर कहें कि अगर आपने छपाक को टैक्स फ्री किया है तो तानाजी को भी टैक्स फ्री करो। इसमें बेटा बेटियों का चरित्र सुधरेगा, छत्रपति शिवाजी का शौर्य ऐश्वर्य जग जाहिर होगा और दुनिया में जीजाबाई के योगदान को बताया जा सकता है और हिंदी भी स्वराज का यशगान गाया जा सकता है। अन्यथा शिवसेना भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के शिकार हो गई और वो भी कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बन गई। हम आग्रह करेंगे लोगों से कि तानाजी देखने जाइए, छत्रपति शिवाजी के शौर्य की यशगाथा गाइए, जीजाबाई का ऋण चुकाइए, भारत के हिंदवी स्वराज को सलाम करिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों युवा बाघ अपना दमखम दिखा रहे हैं। इन व्यस्क बाघों में बाघिन के लिए झगड़े आम हो चुके हैं। बाघों में वर्चस्व की यह लड़ाई अब पर्यटकों के सामने भी हो रही है, जिसे लोग अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क में बाघों में बाघिन को लेकर आपसी लड़ाई चल रही है। इसके चलते पार्क के सरही रेंज में दो बाघ आपस में भिड़ गए। इसी कड़ी में पिछले दिनों मुक्की रेंज के बाबा ठेंगा तालाब के पास दो बाघ आपस में लड़ते नजर आए थे। कान्हा पार्क प्रबंधन बाघों को लड़ने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है।
जिससे बाघों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कारण स्पष्ट है कि जब हाथी गश्ती दल को पता चलता है कि बाघिन को लेकर बाघों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, तो ऐसे समय में गश्ती दल किसी एक बाघ को दूर तक खदेड़ देता है, जिससे बाघ आपस में नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रबंधन द्वारा ऐसे कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जबकि 3-4 दिनों में ही मुक्की तथा सरही रेंज में वर्चस्व की लड़ाई जारी है और बाघिन को आकर्षित करने के लिए बाघ अपनी जान पर खेल रहे हैं। मुखी रेंज के बाबा ठेंगा तालाब के पास जब दो बाघ एक बाघिन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई कर रहे थे, उसी समय पर्यटकों ने इनकी आपसी लड़ाई के दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर लिया। साथ ही कुछ पर्यटकों ने इसकी वीडियो भी बनाई। बाघिन को लेकर T20, T24 बाघ के बीच में काफी देर तक लड़ाई हुई। वहीं बाघिन T27 चुपचाप यह नजारा देखती रही। कान्हा नेशनल पार्क की उप संचालक अंजना सुचिता तिर्की का कहना है कि बाघिन पर वर्चस्व बनाने के लिए बाघ आपस में लड़ाई करते हैं, ये स्वाभाविक है। हाथी गश्ती दल से मॉनिटरिंग चलती रहती है। कई बार हाथी गश्ती दल द्वारा बाघ को हटाया जाता है और वर्चस्व की लड़ाई में अगर बाघ घायल होता है तो इसका इलाज भी किया जाता है। सीए बिल को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल में एक रैली निकाली। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में शामिल हुए। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों के जरिए देशवासियों को नागरिकता संशोधन कानून समझाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को ना लागू करने की बात कही है, वहीं भाजपा और कई बुद्धिजीवी इस बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल के नेहरू नगर क्षेत्र में रैली निकाली और कहा कि यह कानून देश में रहने वाले किसी धर्म या जाति के लोगों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इस कानून से हमारे देश में जो पड़ोसी देश के शरणार्थी हैं उनको नागरिकता मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आह्वान पर इस क्षेत्र के नागरिक माता बहनें सब सीए के समर्थन में ये रैली निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि देश के लिए जो बहुत जरूरी निर्णय था वो उन्होंने किया है। लाखों शरणार्थी के रूप में इस देश के मूल निवासी जो विभिन्न देशों से प्रताड़ित होकर लौटे हैं उनको नागरिकता देने का ये प्रावधान है। कांग्रेस और बाकी असामाजिक तत्व भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी की नागरिकता खत्म करने का है, इसमें नागरिकता किसी की खत्म नहीं होना है। छतरपुर में व्यापारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी की हत्या उसी के ड्राइवर ने कुल्हाड़ी मारकर की थी। छतरपुर के सर्वई में 2 दिन पूर्व हुई व्यापारी कामता प्रसाद गुप्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। व्यापारी की हत्या उसी के ड्राइवर ने कुल्हाड़ी मारकर की थी। बताया जा रहा है कि व्यापारी ड्राइवर विनोद सोनी को वेतन नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले मृतक के बेटे के साथ भी ड्राइवर का विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते जब व्यापारी अपने घर में सो रहा था तभी ड्राइवर ने व्यापारी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल्हाड़ी जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 7 जनवरी 2020 को थाना सर्वई कस्बे में कामता प्रसाद गुप्ता है, जिनकी उम्र 54 वर्ष है, उनको किसी व्यक्ति द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में चोट पहुंचाई दी गई थी, जिससे बांदा में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक जहां सोता था उसके पड़ोस में रहने वाले विनोद सेन से पूछताछ के आधार पर मेमोरेंडम पर घर से रक्त रंजित कुल्हाड़ी से उसने उसकी हत्या की, खून लगी कुल्हाड़ी बरामद की और आरोपी दोस्त सेन ने स्वीकार किया कि पुरानी लड़ाई के ऊपर से उसने कामता प्रसाद की हत्या कर दी। एक तरफ यातायात बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ दुर्घटना का ग्राफ। ऐसे में सिंगरौली पुलिस स्कूलों में जाकर बच्चों को यातायात के प्रति जागरूक कर रही है और उन्हें सुरक्षित यातायात के लिए जानकारियां दे रही है। सिंगरौली में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश और एसआर पावर एमपी लिमिटेड के सीएसआर विभाग ने सरस्वती विद्यालय
नंद विहार में अपनी टीम के साथ पहुंचकर वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को सुरक्षित यातायात से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि सड़क पर चलने के दौरान आपकी सुरक्षा ही सर्वोपरि है, जिसके लिए आपको दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट लगाना चाहिए, साथ ही वाहन के पूरे कागजात लेकर चलना चाहिए। यदि आप चार पहिया वाहन का उपयोग अपने आवागमन के लिए करते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। विशेषज्ञों ने बच्चों से कहा कि नशे से दूर रहते हुए यातायात नियमों का पालन करें ताकि यात्रा के दौरान आप कभी दुर्घटनाग्रस्त ना हो। सड़क सुरक्षा में हमारा जो मेन इंटेंशन है, मेन मोटिव है, एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है पूरा जिला पुलिस सिंगरौली का कि रोड पर एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए और एक्सीडेंट्स में लोगों की डेथ नहीं होना चाहिए। वही मुहिम लगातार चला रहे हैं, जिला मुख्यालय पर भी चला रहे थे, बाहर भी चला रहे हैं। उसी कड़ी में हमने आज रजमिलान और बंधुरा के पास में एसआर प्लांट के अंदर एक स्कूल है, सरस्वती स्कूल, वहाँ हमने बच्चों को आज शिक्षित किया है, उनको बताया है रोड अवेयरनेस के बारे में, और उसके बाद में हमने बाहर आकर के जो ग्रामीण जो लोग हैं उनको भी अवेयर किया है कि सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, हेलमेट और सीट बेल्ट का जरूर ध्यान रखें और रोड पर जब भी चले अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के दौरान बच्चों को बताया कि सड़क और गुरु दो ऐसे माध्यम हैं जो अपने स्थान पर यथावत रहते हुए आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन दोनों का सम्मान आवश्यक है। करुकर में बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई और यह आग्रह भी किया गया कि यह जानकारी आप अपने अलावा अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ साझा करते हुए इस जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ाने का कार्य करें। जन जागरूकता कार्यक्रम में एसआर कंपनी के सुरक्षा अधिकारी श्री राम पांडे, स्कूल के प्राचार्य राम भवन द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तीन दिवसीय तिल चतुर्थी उत्सव इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पर मनाए जाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस क्रम में पहले दिन भगवान को 1.25 लाख तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस बार करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु 3 दिन उत्सव में आने की संभावना है। विश्व प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर में 3 दिवसीय तिल चतुर्थी उत्सव के लिए 1.25 लाख लड्डुओं का निर्माण शुरू कर दिया गया है। यह उत्सव 13, 14 और 15 जनवरी को खजराना स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिर पर सोने के मुकुट के साथ ही हीरे मोतियों से बाबा का श्रृंगार किया जाएगा व पुष्प सज्जा के साथ ही मंदिर का आकर्षण बढ़ाने के लिए तमाम तरह की साज सज्जा की जाएगी। मंदिर प्रमुख की माने तो इन 3 दिनों में करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु श्री खजराना मंदिर पर पहुंचने की संभावना है। विनायक मंदिर में जो हर साल मेला लगता है, इसमें तिल चतुर्थी का मेला 3 दिवसीय मेला है, 13, 14, 15। तो पहले दिन भगवान जी को 1.25 लाख लड्डू का भोग लगेगा, जो लड्डू का निर्माण चालू है, और भगवान जी को सोने के मुकुट चढ़ाया जाएगा, मोतियों का श्रृंगार किया जाएगा, फूल सज्जा फूलों का बंगला बनेगा और सारी तैयारियां भी चल रही है। तिल चतुर्थी वाले दिन कितने लोगों की यहाँ पे आवक दर्शन का होगा? जिसमें करीब चतुर्थी है उस दिन करीब 2-2.5 लाख पब्लिक आएगी। श्री खजराना गणेश मंदिर पर बीती 1 जनवरी को करीब 8.5 लाख श्रद्धालुओं के आने के बाद यहां एक विश्व कीर्तिमान बना है, जिसके बाद श्रद्धालुओं का आकर्षण इस मंदिर की ओर और बढ़ गया है। इस बार इस 3 दिन की उत्सव में फिर लोगों की भीड़ रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।